जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कपिल यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है फोर्स एकेडमी फिजिकल। दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन है, बेल आइकन को बताएं ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट तुरंत आप तक पहुंचे। दोस्तों काफी सारे गर्ल्स के कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि सर हम रनिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 या 3 दिन रनिंग कर रहे हैं और उसके बाद सीधे जाके बेड पे सो रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा थक जा रहे हैं, हमारे पैरों के अंदर काफी ज्यादा दर्द है। तो दर्द क्यों आता है आपके पैरों के अंदर, उसके कारण क्या है? आप डायरेक्टली आते से ही आपकी स्ट्रेंथ पे दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि लड़कियों की हील सबसे ज्यादा कमजोर होती है, आप अगर अच्छे शूज का इस्तेमाल नहीं करेंगे या फिर रोड पे दौड़ना स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली आप 2 या 3 डेज में बेड पे जाएंगे और सो जाएंगे, उसके बाद कभी भी शायद ग्राउंड पे आने की कोशिश नहीं करेंगे आप। तो गर्ल्स को क्या करना चाहिए रनिंग स्टार्ट करने के लिए, आइए जानते हैं हम इस वीडियो के जरिए आपको क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कम से कम 5 मिनट वार्म अप करना है। वार्म अप कैसे करना है आइए जानते हैं, हम देखते हैं, चलो स्टार्ट ना हो वार्म अप। दोस्तों जैसा कि अभी मैं बता देता हूँ आपको कि ठंड का सीजन स्टार्ट हुआ है, अगर आप बॉडी को हीट नहीं करेंगे तो प्रॉपर आपका बॉडी रन करने में जल्दी आप थकान आपको महसूस होगी। तो पहले आपको हीट करने के लिए आपको वार्म अप करते रहना, वार्म अप में आपको ये जितने वार्म अप में बता रहा हूँ आपको वार्म अप ऐसे करते रहना है, एवरेज 5 से 7 मिनट आपको वार्म अप करना है, आपको बॉडी को हीट करना है, उसके बाद ही आपको ट्रैक में जाना है रनिंग करने के लिए। तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करवा के बता रहा हूँ आपको क्या करना है गर्ल्स को, कि उनका सिम्पटम जल्दी स्टार्ट ना हो। हैंड वर्कआउट, अरे बोल के बता दो पूरा जल्दी से, ऊपर लाओ ग्राउंड में ले लो। तो दोस्तों ये हुआ वार्म अप, अब हम जाएंगे ट्रैक पे, ट्रैक पे आपको कैसे दौड़ना है आइए बताता हूँ। तो गर्ल्स हो जाइए तैयार क्योंकि अब नहीं थकने वाले आप रनिंग करने में, क्यों? क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे स्टार्ट करनी है रनिंग। आपको सबसे पहले जॉगिंग करना है, जॉगिंग में कैसे क्या करना है, जॉगिंग में 2 राउंड जॉगिंग करना है, आपको रनिंग नहीं करना, जॉगिंग करना है ना, जॉगिंग स्टार्ट। तो ये आपको 2 राउंड जॉगिंग करना है ऐसे ही, बिल्कुल स्लो करना है आपको जॉगिंग, ज्यादा फास्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्यों? क्योंकि आप स्टार्ट से ही आपकी स्ट्रेंथ पे दौड़ना स्टार्ट कर देंगे तो आप डेफिनेटली थकेंगे और आपका सिम पेन जल्दी होना स्टार्ट होगा। गर्ल्स इस बात को जरूर ध्यान रखें कि आपको स्टार्ट में जॉगिंग करना है, ज्यादा फास्ट रनिंग नहीं करना है। मैं बताता रहूंगा आपको, आपको गाइड करता रहूंगा कि आपको आगे आगे क्या क्या करना है आपको। तो आपका जैसे ही वार्म अप कंप्लीट होता है उसके बाद आपको बिल्कुल रनिंग नहीं करना है, आपको फिर एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में क्या करना है आइए बताते हैं हम, नाउ स्टार्ट बटकी। सेकेंड आपने बुट किक लगा ली, उसके बाद सेकेंड आपको लगाना है हाई नी बाउंस। हाई नी बाउंस कैसा होता है आप देखिए, चलो स्टार्ट। तो थर्ड एक्सरसाइज आपको करना है, आपके लेग की स्ट्रेच बढ़ाना है, नाउ स्टार्ट फर्स्ट डाउन, हाथ यहाँ रखें, सेकेंड, थर्ड, तो गर्ल्स जब आपने स्ट्रेचिंग कर ली है उसके बाद, सॉरी आपने वार्म अप कर लिया है, आपने एक्सरसाइज कर ली है,
उसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेचिंग करना है। अगर आपने स्ट्रेचिंग नहीं करी तो आपका मसल जरूर दर्द होंगे, आपको स्ट्रेचिंग करना है। स्ट्रेचिंग में क्या करना है ये बताते हैं हम। बड़े सेकेंड एक्सरसाइज नाउ लेग बटरफ्लाई, थोड़ा सा मूव करें, थोड़ा स्पीड में। थर्ड सिंगल लेग स्ट्रेच नाउ डाउन। नेक्स्ट पैर सेम रोटेट डाउन, दोनों साथ में स्ट्रेट और डाउन। गर्ल्स मैं सभी आपको बता रहा हूँ थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करके, आपको जितने में एक्सरसाइज बता रहा हूँ इसका डबल करना है, मतलब कि टाइमिंग में मतलब 5 से 7 मिनट करना है आपको। क्रॉस लेग हैंड सपोर्ट और पुश करेंगे। अदर साइड तो आपको स्ट्रेचिंग काफी सारी करनी है। स्ट्रेचिंग अगर आप करेंगे तो आपके मसल्स की स्ट्रेचिंग बढ़ेगी और आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ेगी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी जल्दी बढ़ी तो आपकी दौड़ने की स्ट्रेंथ बहुत जल्दी बढ़ने वाली है। अगर आप ये सारे काम करेंगे तो आप दौड़ने में थकेंगे नहीं और आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। ये बिगनिंग वाला वीडियो था, मतलब कि आप रनर्स हैं, गर्ल्स अगर रनिंग करने का स्टार्ट अगर मन बनाए आपने, अगर आप रनिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 3 या 4 डेज का ये वर्कआउट है मॉर्निंग जब स्टार्ट करेंगे आपको तो ऐसा ही करना है, इससे ज्यादा आपको बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, इसके बाद मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में कौन कौन से वर्कआउट करना है आपको आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। आप देखते रहिए मेरा ये वीडियो, अभी हम जितने भी एक्सरसाइज है सभी एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे आपको। ओके, तो गर्ल्स कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर जरूर करें ताकि आज हर जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंचे। अगर आपको बहुत अच्छा लगा ये वीडियो तो जरूर जरूर शेयर करें इस वीडियो को और आगे भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको ऐसे ही वॉच करते रहना, अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं, मैं उनके जवाब जल्दी दूंगा, उनके अकॉर्डिंग वीडियो बना के दूंगा आपको। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।